ठीक है, चलो देखो, सर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया आपका। तो टोटल डिस्टेंस तो डी हो गया और समय आपका टी वन प्लस टी टू निकल के आ गया। समय आपका टी वन प्लस टी टू आ गया। टी वन को क्या लिखा मैंने, टी वन को टाइम को क्या लिख सकता हूँ, इतने में लगाओ, इतने के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाओ, तो टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। सेम तरीके से इतने के लिए लगाओगे तो टाइम आपका टी टू आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, डिवाइड टू कॉमन ले लो, ब्रैकेट में वन अपॉन बी वन प्लस वन अपॉन बी टू बचेगा, डी से डी जाएगा टू ऊपर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करना, ये इसको मैं किसी को भी दिक्कत है क्या सॉल्व करने में बता दो, अलोन्स में कुछ लोगों को यहाँ पर भी दिक्कत होती है। अरे समझा कि नहीं समझा, समझा समझा ट्यूबलेस सर। चला गया, आ गया। चलो देखो अगला वाला क्या था, अगले वाले में क्या था, ए से बी जब जा रहा है, मान लो टोटल टाइम उसने टी ले लिया है, तो टोटल टाइम टी ले लिया है तो टी बाई टू हो गया, टी बाई टू हो गया, ये डिस्टेंस नहीं है, ये खाली अपना रफ डायग्राम है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि आधा समय में इतना चला होगा, आधे समय में इतना चला होगा। प्रॉब्लम अलग है, इस बार क्या है, टोटल समय का आधा आधा चल रहा है, आधे समय के लिए बी वन से चला है, आधे समय के लिए बी टू से चला है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा, बताओ डिस्टेंस दोनों केस में अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। समय बराबर है, 1 घंटा मैं चल रहा हूँ ये वाली स्पीड से, अगला 1 घंटा मान लो इस स्पीड से चल रहा हूँ, तो दोनों में समय अलग अलग आएगा ना, क्लियर है ना। तो इस बार क्या है, डी वन को लिखो, डिस्टेंस को कितना लिख सकते हो, डी वन को क्या लिख सकते हो आप, स्पीड इंटू समय बताओ। सेम तरीका है, डी टू को लिख सकते हो स्पीड इंटू समय, इस बार डिस्टेंस को समय के टर्म्स में लिख दो, क्यों, क्योंकि टी हट जाएगा अभी देखना, क्योंकि जब आप वी एवरेज लिखोगे, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डी वन डी टू को टी के टर्म्स में लिख दो तो टी कॉमन आके कट जाएगा, ठीक है ना। इस केस में क्या था, इस केस में हमने टी वन टी टू को डी के टर्म्स में लिख दिया ताकि डी कट जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे, नहीं तो लंबा जाएगा फंस जाओगे। नो जो कट जा रहा है उसके टर्म्स में लिख दो, कैसे पता चलेगा, देखो डी के हिसाब से डिवाइडेड है तो समय को डी के हिसाब से लिखो, ठीक है ना, समय को डी के हिसाब से, इस बार समय के हिसाब से डिवाइडेड है मामला, जो जर्नी है समय के हिसाब से डिवाइडेड है, तो डिस्टेंसेस को लिख दो समय के टर्म्स में, उल्टा मत करना, टी को डी वन के टर्म्स में मत लिखना, फंस जाओगे उसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वहां पर से लंबा जाएगा आपका प्रॉब्लम, तो कितना हो जाएगा, टी वन टी बाई टू प्लस बी टू टी बाई टू अपॉन टी। तो देखो जरा टी बाई टू कॉमन लेके देखो, बी वन प्लस बी टू बाई टू निकल के आ जाएगा, बताओ। अरे समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, समझा। अच्छा हाँ एक बात बताओ, एक एक सिंपल सी चीज एनालिसिस बताओ, अगर हम पूरे रास्ते भर एक ही स्पीड से चला, पूरे रास्ते में 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा हूँ, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी आनी चाहिए, सर, तो सॉरी आएगी ना, ये समझ में आता है क्या, अगर मैं एक ही स्पीड से चलूंगा तो मेरी स्पीड एवरेज स्पीड भी उतनी ही निकल के आएगी, बताओ। ठीक है, तो कल के दिन में चेक कर लेना, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है वैसे, प्रॉपर पहले अप्रोच देखो कैसे किया गया, फिर कभी कभी वो बोलता है टू वी वन वी टू अपॉन वी वन माइनस वी टू, ऐसे करके कुछ दे देगा आपको। क्या करना, वी वन वी टू को बराबर रख के देखो, वी वन वी टू को वी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी, टू वी स्क्वायर अपॉन टू वी हो जाएगा, टू से टू कटेगा, वी से वी स्क्वायर का एक वो कटेगा तो वी बच जाएगा। सही बात है, जब वी वन वी टू वी के बराबर हो जाएंगे तो एवरेज भी वी आना चाहिए, इसमें उल्टा चेक कर लेना ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉपर सीखो, अभी प्रॉपर कॉन्सेप्ट सीखो, और आगे जाके मैं बताते जाऊंगा ऑब्जेक्टिव में कैसे कैसे थोड़ी ट्रिक्स अपना सकते हो। इसमें देखो भाई, टाइम से डिवाइड हो या ना हो, आधा टाइम दोनों स्पीड बराबर कर लो तो एवरेज हो ही आना चाहिए, दोनों को वी और वी बना दो तो टू वी अपॉन टू, टू से टू कटा वी आ जाएगा आपका,
अरे आगे बात समझ में, ये वाला मिटा दूं? यस सर, हो गया, ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि है आपका, ऐसे देखो इसको, मैंने बेसिक बेसिक तो आपको सब बता ही दिया था, अब आपका एक जनरल क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज, वेरीज विद टाइम, विद टाइम टी एज, आपको आर वेक्टर दे रखा है टी स्क्वायर आई कैप, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस टी के कैप प्लस फोर के कैप, ठीक है, इनफैक्ट इसको टी क्यूब बना दो, लो ऐसे करके आपको पूछ दे रखा है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड v वेक्टर, पहला पार्ट है v वेक्टर एंड a वेक्टर, सेकंड v वेक्टर एंड a वेक्टर, पहले पूछेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन, एज फंक्शन ऑफ टी और एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v वेक्टर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा v वेक्टर एंड a वेक्टर एट t is equal to 1 second, ठीक है, बस इतना। अच्छा राइट वाला हो गया क्या ये, तुम्हें इन दोनों में से एक प्रॉब्लम आपको कोई ना कोई टेस्ट में पक्का मिलेगी देखना, ठीक है कुछ, अरे हमारे डिस्कशन डिस्कशन कुछ बचा है क्या कुछ सर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है नेक्स्ट मतलब कल है ना, कल कर रहे हैं हम लोग डिस्कशन, हाँ सर, यस ठीक है, कल पूरा मैथमेटिकल टूल्स की शीट उतना ही था और कुछ भी था सर, आपने कुछ तो बोला था ना अगले हफ्ते करेंगे, अगले हफ्ते के लास्ट में वो केमिस्ट्री के सर ने बोला, हाँ सर अगर तुम तो कल करना भाई, तुम्हारा कल करता हूँ मैं मैथमेटिकल टूल्स की सीट कंप्लीट कर लेना जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम मिली है आपको, इस टाइप की प्रॉब्लम मिल लगती है तो क्या होता है, आपको बताया था मैंने वेलोसिटी वेक्टर क्या डिफाइन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वैक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वैक्टर, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, देखो इसको वैक्टर फॉर्म में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहले वाले को डायरेक्ट कर लेता हूँ, टी क्यूब का डी आर बाई डी टी है ना, इसको डिफरेंशिएट करो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भाई सर्वेश फटाफट, टी स्क्वायर का, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर साथ में आई कैप लगा देना, ठीक है अगला क्या बचा, टू टी का डिफरेंशिएशन, टू टी का डिफरेंशिएशन टू बचेगा, ठीक है अगले वाले का 4k कैप का डिफरेंशिएशन जीरो, समझ में आ गया, तो आएगा तो k ना जीरो है, क्या करना क्या आगे, क्या k कैप मल्टीप्लाई करके तरह हो जाए, ठीक है अगला एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, अब वेलोसिटी वाला जो निकल के आ गई है 60 i कैप प्लस 60 i कैप, बस जीरो हो जाएगा, ठीक है तो आपका क्या आ गया, v वेक्टर कितना बन गया, v वेक्टर आ गया आपका 3t स्क्वायर i कैप प्लस 2j कैप, a वेक्टर आ गया आपका 60 i कैप, 60 i कैप, अब क्या पूछा है उसने, ये तो आपका एक आंसर तो ये हो गया पहले पार्ट का, अब देखो उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, अच्छा ये वाला अलग था,
वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन है t इक्वल टू 1 सेकंड. सबसे पहले क्या किया आपने, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आई, उसको डिफरेंशिएट किया, एक्सीलरेशन आ गया. अभी ये फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गए, टाइम पर डिपेंडेंट आ गए. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 1 पुट कर लो, t इक्वल टू 1 सेकंड पुट करोगे, v वेक्टर कितना आएगा भाई, t को 1 पुट करो, t को 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर कितना आ गया, प्लस 2 j कैप कितना आ गया, 3 i कैप प्लस 2 j कैप. एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ जाएगा, 6 * 1 i कैप, बताओ 6 i कैप. अरे समझ में आया कि नहीं आया? अगली चीज पूछ सकता है इसमें, तीसरी चीज पूछ सकता है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, इसमें और कुछ भी पूछ सकता है, ये वेलोसिटी तो आ गई 1 सेकंड पर, कहेगा स्पीड निकालो, 1 सेकंड पर स्पीड क्या होगी, तो जब आपने वेलोसिटी निकाल ली है इसका मैग्नीट्यूड. आपका वॉइस थोड़ा कम क्यों आ रहा है? नहीं सर, सभी को कम आ रहा है क्या? कम आ रहा है? नहीं सर, बराबर आ रहा है. ठीक है सर, बीच-बीच में कम आ रहा है, पता नहीं यार वॉइस का आज क्या हो गया, ऐसा वॉइस कम आ रहा है. घूमने में थोड़ा कम हो जा रहा होगा मेरे ख्याल से. अभी सही है कि अभी भी कम आ रहा है? प्रॉपर है सर, प्रॉपर है. ठीक है, चलो जरा ध्यान दो चीजों को. वेलोसिटी निकाल लिया आपने, ठीक है, वेलोसिटी 1 सेकंड पर निकाल ली, 1 सेकंड पर इतनी वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 सेकंड पर जो स्पीड होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, स्पीड होगी, है ना. तो कभी स्पीड पूछेगा तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देगा. स्पीड अगर पूछ लेगा तो स्पीड के लिए क्या करोगे, स्पीड इज इक्वल टू 1 सेकंड पर स्पीड पूछेगा तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी यूनिट रही होगी मीटर पर सेकंड, यहाँ पर मीटर में चल रहा होगा, ठीक है, वो अपना एडजस्ट हो जाएगा, यूनिट लिख दो आगे बस. हाँ भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को? नो. ठीक है, चलो ये वाला मिटा रहा हूँ थोड़ा ऊपर का, एक दो लाइन. ठीक है, हाँ भाई ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट आकांक्षा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालो, डिस्प्लेसमेंट t is equal to 0 से लेकर t is equal to 1 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. मैंने कहा था कुछ बता, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर. ठीक है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सही है, लेकिन यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखेगा क्या आपको? अब प्रॉपर वेक्टर के हिसाब से चलो तो एक काम करो, t इज इक्वल टू 1 पर, t इज इक्वल टू 1 पर r, इसको r f बना देते हैं, फाइनल f मतलब फाइनल के लिए है. तो t को 1 पुट करो, r कितना आएगा, t को 1 पुट करोगे जरा ध्यान दो, ये बनेगा 1 का क्यूब i कैप प्लस 2 इंटू 1 j कैप प्लस 4 k कैप, बताओ कितना आ गया आपका, कितना आ गया i कैप प्लस ये प्लस 4 के का. टी इज इक्वल टू 0 पर देखो, टी इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कितना था, आई फॉर इनिशियल, ठीक है, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल. टी इज इक्वल टू 0 पर कितना आएगा देखो, जरा ध्यान से देखो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4 के का, बताओ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर. ठीक है, आपने फाइनल पोजीशन लिखी, इनिशियल पोजीशन लिखी, आपसे जो पूछा है वो निकाल दो. यार ये वाला लिख लिया सबने, इतना लिख लिया था मतलब सर? यस सर. हाँ चलो सर. हाँ सर, वो इनिशियल जीरो है वो क्वेश्चन में दिया होगा, ये सर एज्यूम करना है.
डिस्प्लेसमेंट बोल लगता है ना फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू वन सेकेंड. इक्वल टू जीरो पर पोजिशन निकाल लो, टी इक्वल टू वन पर निकाल लो, ये फाइनल पोजिशन है, इनिशियल पोजिशन. डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका आर फाइनल माइनस आर इनिशियल. बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर. हाँ भाई हो गया. तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कितना आ गया भाई? फाइनल माइनस इनिशियल बताओ. आई कैप बताओ. दिस माइनस दिस होगा, आई वाले अलग से सब्ट्रैक्ट होंगे, जे वाले अलग से सब्ट्रैक्ट होंगे, के वाले अलग से सब्ट्रैक्ट होंगे. अरे किसी को कोई दिक्कत? नो सर. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रखा है, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म है. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का खाली मैग्नीट्यूड लिखना है. डिस्प्लेसमेंट का खाली मैग्नीट्यूड जानना है. तो ये तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, रूट फाइव आ जाएगा. सारे कॉन्सेप्ट देखते जाओ भाई, काइनेमेटिक्स में शुरू में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. पहले पिछला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों बहुत काम के हैं. ठीक है, ये पूरी काइनेमेटिक्स का खेल है. क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? यांशु, यांशु सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर. जुबिया, नो सर. रोही, नो सर. ठीक है, क्या दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, चाहे मैसेज ही कर लेना. ठीक है, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. देखो अभी तक क्या है, अभी तक हमारा क्या था? हमारा आर वेक्टर कितना चल रहा था? कुछ टी क्यूब आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस फोर के कैप. अभी हम क्या करेंगे? हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं समझा. डिस्प्लेसमेंट बताया था ना, डेफिनेशन क्या होती है? फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल पोजीशन निकालो, इसमें किस किस के बीच में पूछी थी उसने? t is equal to 0 and t is equal to 1. अच्छा मान लो t is equal to 2 और t is equal to 5 के बीच में पूछता, तो इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लो. पहली पोजीशन निकालो, t को 2 पुट करो, इसकी पोजीशन वेक्टर निकाल लो. t को 5 पुट करो, फाइनल पोजीशन निकाल लो. ठीक है, बस सब्ट्रैक्ट कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट सेम है? पोजीशन वेक्टर तो यार देखो, पोजीशन वेक्टर क्या है, समय के साथ बदलता जा रहा है. t is equal to 0 पर वो था, t is equal to 0 पर कितना है आपका i cap plus 2j cap plus 4k cap, ऐसे करके कहीं रहा होगा. I में 1 है, J में 2, बाहर ऐसे करके कुछ रहा होगा. 1, 2, 4 पर ये था शुरू में. बाद में कहाँ आ गया? बाद में आ गया आपका खाली 4K पर, खाली Z एक्सिस में होगा. यहाँ कहीं आ गया 0, 0, 4. तो यहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल जब करोगे, है ना? अच्छा ये इनिशियल है, फाइनल है, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं? देखो शुरू में पोजीशन वेक्टर ये था, ऐसा होता ना, ये मान लो शुरू में यहाँ था, बाद में यहाँ आ गया, पहले की है, फाइनल है. ये होता है इनिशियल पोजीशन, ये हो गई फाइनल पोजीशन. ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तुमसे कहा था पिछली क्लास में ध्यान दो, कह रहा हूँ काइनेमेटिक्स चल रही है, पुराना रिवाइज करके आओ, हल्के में मत लो, यहाँ से जरा फिजिक्स चल रही है. ठीक है ना,
इनिशियल निकाला, शुरू में निकाल लिया, फाइनल निकाल लिया, चेंज इन पोजीशन आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अरे आगे बात समझे, बाय डेफिनेशन है। यस सर। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। पिछले उसका वो देखना, पिछले उसका लेक्चर का देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। तो अभी क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ ये कह रहा था आपसे कि हमने बात करी थी टी क्यू वाई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस फोर के कैप। अभी हम बात करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, अब चालू हो रहा है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन चालू हो रहा है, हम बात करेंगे सिर्फ एक की, सिर्फ आई कैप वाले की बात करेंगे या फिर जे कैप वाली, वन लाइन में चालू करेंगे। अभी तक मैंने बेसिक फंडामेंटल काइनेमेटिक्स से बता रखे हैं आपको। ठीक है, अच्छा इसमें 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 एक क्वेश्चन और कर लो, इसमें पहले वाले में ना, इसी में इसमें एक क्वेश्चन और कर लो। क्या था हमारा आर वेक्टर कितना था? टी क्यूब आई कैप प्लस टू टी जे कैप प्लस फोर के कैप। वेलोसिटी वेक्टर कितना है? वेलोसिटी वेक्टर कितना है? थ्री टी स्क्वायर आई कैप प्लस टू जे कैप। एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन वेक्टर ये आ गया सिक्स टी आई कैप। अब कभी आपसे पूछेगा, इसी में लिख लो, अगला पार्ट बना दो। अगला पार्ट हमारे कितने हो गए थे? उसमें तीन पार्ट हो गए थे ना, चौथा पार्ट बनाओ। फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 1 second. हाँ भाई ये बताओ इसको कैसे करोगे? आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। क्या थी भाई एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन? अगर याद होगा एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी आपको? इनिशियल माइनस फाइनल, अरे फाइनल टाइम अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा इधर का हो गया ना सबका। चलो यहीं पर बता देता हूँ। देखो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, जो भी टाइम लग रहा है। अभी हमने आर फाइनल माइनस आर इनिशियल निकाल चुके हैं, बताओ किस किसके बीच में पूछा है? टी इज इक्वल टू जीरो और टी इज इक्वल टू वन। टी इज इक्वल टू वन पर हम निकाल चुके हैं ये आया है, टी इज इक्वल टू जीरो पर निकाल चुके हैं ये आया है। तो कितना बन के आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा? आई कैप प्लस टू जे कैप। समय कितना गैप है? समय में कितने का गैप है? जीरो और वन के बीच में वन का। अगर मानता मैं वन से लेके फाइव बोलता, वन से लेके फाइव बोलता तो डेल्टा टी आता फोर। ठीक है, वन से लेके फाइव बोलता तो डेल्टा टी फोर आता है। पोजिशन भी बदल जाती, टी इज इक्वल टू वन पर यह आ जाता है इनिशियल, टी इज इक्वल टू फाइव पर पुट करता टी इज इक्वल टू फाइव के लिए निकाल लेता। अरे क्लियर है कैसे फॉर्मूला लगाना है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? किसी को कोई दिक्कत? अब ये बताओ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ अभी बड़ा आसान लग रहा होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन कितना भी समय लग रहा है। बाद में देखना, कुछ दिन बाद भूल जाओगे कॉन्सेप्ट। कह रहा हूँ पहला लेक्चर और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग पर रखना, बड़े फंडामेंटल बातें हो रही हैं यहाँ पर। हाँ भाई अब फाइनल निकालो यहाँ से करो, इसमें पुट करो। फाइनल मतलब टी की वैल्यू वन पुट करोगे, ये वाला बता दूं क्या? हाँ सर ठीक है, हो गया सर। ठीक है, तो t is equal to 1 पर हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई? t को 1 पुट करो, t को 1 पुट करो, 3 i cap plus 2 j cap बताओ इसमें पुट करोगे। t को 0 तो शुरू में कितनी थी? t is equal to 0 पर कितनी थी? t को 0 पुट करो खाली 2 j cap आ गई है, 2 j cap। ठीक है, तो जब इसको v final minus v initial करोगे, जरा ध्यान देना, v final minus v initial करोगे तो कितना बचेगा आपका? खाली 3 i cap बच जाएगा, बताओ 3 i cap upon 1 यानी 3 i cap आ जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन इस तरीके से निकाल पाओगे? अरे कोई दिक्कत किसी को?
नहीं सर। समझ में आ गया बढ़िया से? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो अब इसके आगे रुको, इसमें और कोई क्वेश्चन करा सकता हूँ? इसमें और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? हमने ये ले लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस निकाल लो, इंस्टेंटेनियस क्या है, किस समय पर निकाल दिया था? t = 5 सेकंड पर निकाल दिया, पुट कर लो t को 5 पुट करो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही है जो t पर डिपेंडेंट है, t पुट करते हो हर इंस्टेंट पर बताते जाएगा। अब ये जनरल t टाइम पे बता रहा है, वो जनरल t टाइम पर इतनी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस ही है, ठीक है ना? ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, क्यों है इंस्टेंटेनियस? t पर डिपेंडेंट है, t पुट करोगे बदलते जाएगी, बदलते जाएगी, उस इंस्टेंट की बताते जाएगा जैसे जैसे t पुट करते जाओगे, ठीक है? अच्छा, इसमें यह पूछेगा, अब फिर वेक्टर ऐड करेगा, जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, कहेगा इस एवरेज वेलोसिटी की ओर को एक यूनिट वेक्टर बताओ, इस एवरेज वेलोसिटी की ओर को यूनिट वेक्टर बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई आपकी, आई कैप प्लस 2j कैप, कहेगा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। अब वेक्टर याद है, अरे वेक्टर याद है कि भूल गए हो? याद याद है सर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालने को क्या करते हैं? यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? रूट फाइव आ जाएगा, ठीक है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया ये, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ये शीट सब पर है क्या? हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको डायग्राम दे रखा है, कोई पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है, ठीक है? ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये दे रखा है आपको पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है? यहां से चालू कर रहे हैं, ऐसे करके जा रहा है रास्ते। ये बताओ किसी, मान लो इस जगह पर मेरे को वेलोसिटी निकाल दी, इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल दी, इस जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल दी, पार्ट थ्री किसका बोला है? पार्ट थ्री क्या बोल रहे हो भाई? चलो देखो इसको देखो, हाँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये बंदा ऐसे करके
एक पार्टिकल ऐसे करके गया पूरे रास्ते में ऐसे गया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? अरे कोई तो कलाकार बता दो, इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे आएगी? हाँ भाई केतन, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे की तरफ। टेंजेंट आएगा, टेंजेंट समझ में आता है क्या कि भैया यहाँ पर जैसे ही जैसा टेंजेंट आप खींचोगे ये हो गया, ठीक है? इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉइंट, ये पाथ है ना, टेंजेंट डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ऐसे देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखना डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन पाथ, इन पाथ गिव्स डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ velocity at that point, velocity at that point, उस point पर जो भी velocity होगी उसकी direction के लिए क्या करते हो आप, तो tangent की direction है, tangent की direction कहाँ को ऐसे करते along tangent आएगा, आगे को जा रहा है तो obviously बात है ऐसे ही करके आएगा, बताओ। But sir वो particle path follow करेगा ना? हाँ हाँ path follow करेगा, इस point पर tangent कहाँ को आ रही है, ऐसे करके आ रही है, तो पक्का है उसकी वेलोसिटी कहाँ को होगी, नीचे को आएगी, इस तरीके से आएगी, ठीक है ना? कोई दिक्कत? बट वो तो पाथ के डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी वहां पे होगी ना, डायरेक्शन जैसे पाथ जैसे कलाकार इंसान उस इंस्टेंट पर वहां तो होगी कि नहीं होगी, उसके बाद बदल जाएगी उसकी, हर इंस्टेंट पर बदलेगी, अभी यहाँ पर ऐसे होगी, अभी यहाँ पर ऐसे होगी, 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 हर जगह पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलते जाएगी। अच्छा ओके सर, हाँ समझ में आई बात, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज काम कर रखना, ये तो बात हो गई हमारी किसी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो गई उस इंस्टेंट पर, ठीक है। अब एक और चीज होता है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज, सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी की बातें तो तब होगी जब पार्टिकल कुछ चल चुका होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात तो किसी इंस्टेंट पर हो जाएगी, ठीक है। एवरेज की बात हमेशा तब होगी जब पार्टिकल कुछ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव किया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है डिस्प्लेसमेंट की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भैया, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, जो कि अपने आप में ही डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन डेल्टा टी। एक बात बताओ, अगर आपको याद होगा तो ए वेक्टर को अगर मैं टू बी वेक्टर लिखता हूँ, हाँ भाई ए वेक्टर और टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिखा है, इसका क्या मतलब हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम होगी कि नहीं होगी? ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी कि नहीं होगी? बस फर्क क्या है, टू टाइम्स हो जाएगा, वो बताया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद अ वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर आपका बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर देखो, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में होगी, डेल्टा टी तो एक स्केलर है ना, डेल्टा टी तो स्केलर है, वो तो खाली बस मैग्नीट्यूड में फर्क लेके आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वो स्टेटमेंट ये लिखा है, ये क्यों होता है समझ में आया, तो क्यों होता है समझ में आया कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसकी हो, डायरेक्शन बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है? यस सर।
वॉइस आ ही नहीं रही सर आपकी आपकी वॉइस बैकग्राउंड में चली गई सर अरे आ जाएगी थोड़ी देर में आ जाएगी आ गई क्या हां सर नो सर ट्राई लेकिन कम आ रही है कम आ रही क्या यस सर थोड़ा दूर से बोल रहा हूं अरे माइक काम कर रहा है बस तो जब कॉल किसी की आ जा रही तो दिक्कत हो जा रही है एक काम कर लो इसको रिजॉइन कर देना ठीक है अरे हो गया सर हो गया सर सही हो गया सर आप दूर जा रहे हो तो कम आ रहा है सर शायद से आपका इसमें ये चेंज हो गया सर माइक्रोफोन का जो वो एक सेकंड अब सही आ रहा क्या हाँ सर यस सर हाँ सर ठीक है चलो देखो अब देखो जरा यहाँ पर आपसे क्या कहेगा ये बताओ ए पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट ढूंढो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद एक ऐसा पॉइंट ढूंढो सच दैट कि वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाए एक ऐसा पॉइंट ढूंढो सच दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज की डायरेक्शन सेम आ जाए आपका सॉलिड एग्जांपल है तो यहां पर बस समझ लो बुक में देख लेना समझ में आ जाएगा आपको देखो इस पॉइंट पर क्या होगा अगर मान लो ये पॉइंट देखता हूँ एवरेज इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस तो ऊपर को है इंस्टेंटेनियस तो ऐसे जाएगी टेंजेंट के हिसाब से एवरेज कैसे जाएगी एवरेज की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी बताओ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है एवरेज की डायरेक्शन ये आ गई इंस्टेंटेनियस की ये आ गई तो हमें एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी है देखो इसको ऊपर को बनाते हो एक पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहां का कहीं पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट समझ में आया क्या ये वाला ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है अरे सब्र करो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं एक ऐसा लोकेशन ढूंढो कि सच दैट उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज की डायरेक्शन सेम आ जाए अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग आता है तो यहां से अगर मैं यहाँ का पॉइंट लेता मान लो यहाँ का पॉइंट लेता तो मेरा एवरेज की डायरेक्शन आती ये वाली क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है देखो यहां से यहां गया हूं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके आएगा तो एवरेज की डायरेक्शन ये आई आपकी इधर और इंस्टेंटेनियस की होगी ऊपर को इंस्टेंटेनियस होगा ऊपर को अलोंग टेंजेंट आई बात समझ में ठीक है अब ये ऐसा पॉइंट आएगा देखो जरा यहां से मैंने ऊपर को बनाते गया इस पॉइंट पे क्या है यही आपकी एवरेज की यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है यानी यही एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट पे टेंजेंट भी बन चुका है तो इंस्टेंटेनियस की भी डायरेक्शन ये आ गई और एवरेज की भी डायरेक्शन ये निकल के आ गई अरे आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ ठीक है तो ये बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस कहां को आएगा इंस्टेंटेनियस टेंजेंट की ओर आएगा और एवरेज बिटवीन ए एंड दैट पॉइंट भी सेम आ रहा है एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही आएगी क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के अराउंड को डिस्प्लेसमेंट ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कहां को होगा यहां को होगा कि नहीं होगा ए से बी में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और एवरेज की भी यही होती है एवरेज की भी यही आ जाती है तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन सेम होगी कि नहीं होगी सर वो पहला वाला है क्या पहला वाला तुमने इन जनरल बताया ना कि पहला वाले में तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस ऐसे आएगा
और एवरेज ऐसे आएगा, एवरेज की डायरेक्शन ऐसे आएगी, इंस्टेंटेनियस की ऐसे करके आएगी इस पॉइंट पर। तो मैंने ऊपर को गया, ऊपर को गया, ये पॉइंट मेरे को बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिल गया है, बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन और एवरेज की डायरेक्शन, ए के साथ एवरेज की डायरेक्शन सेम आ गया। सर वो फर्स्ट में स्टेटमेंट क्या लिखा है अपने, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट। हाँ तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो उसका जो टेंजेंट होता है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन देगा। बता तो दिया ये पी पॉइंट यार। क्या हो गया, ये भी समझ में नहीं आया क्या? अब चलो दोबारा देखो सर, इसको देखो, कहीं पर भी टेंजेंट खींचोगे वो वेलोसिटी की डायरेक्शन दे देगा उस पॉइंट पर। ये टेंजेंट खींची, यहां को आई होगी वेलोसिटी, यहां पर टेंजेंट ऐसे करके आएगी। अब मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाएगा आपका। ऊपर को आ जाएगी, यहां पर ऐसे करके आ जाएगी वेलोसिटी, ऊपर को आ जाएगी। ये तो हो गई इसकी बात, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी, टेंजेंट खींचो, डायरेक्शन पता चल गई आप, खाली डायरेक्शन पता चल गई। फिर मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के टर्म्स, की डायरेक्शन के डायरेक्शन में होती है, जहां को डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं को एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है। तो मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं कि सच दैट वहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम आ जाए आप। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना चाह रहा हूं जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज की वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम आ जाए। तो भाई ये लोकेशन एक ऐसी लोकेशन है जहां पर एवरेज की डायरेक्शन भी आएगी और इंस्टेंटेनियस की भी यही आएगी, बताओ। समझा सर। एक काम करो, मॉड्यूल मॉड्यूल खोलो बगल में यार, एक सॉल्ड एग्जांपल है उसमें, देखो एक डायग्राम बना होगा, बताता हूं तुम्हें कौन सा उसका ही निकालना है। क्या मॉडल है? मैथमेटिकल टूल्स का मॉडल निकालना है। अरे नहीं, काइनेमेटिक्स का निकालो मॉड्यूल, काइनेमेटिक्स का मॉड्यूल निकालो, और आपका आएगा ये पेज नंबर एग्जांपल टू है, एग्जांपल टू है, जरा ध्यान से देखो उसको, एग्जांपल टू समझो, जरा ध्यान से समझो, तब मॉड्यूल निकालो जल्दी से। आपका आपको दो मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। और टाइम सर, पेज नंबर क्या बोले सर आपने? पेज नंबर पता नहीं है क्या है, लेकिन सॉल्ड एग्जांपल टू है, पेज नंबर थ्री है सर। हाँ थ्री है, देखो सॉल्ड एग्जांपल टू का एक कर्व बनाया होगा सर, पार्टिकल स्टार्ट मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या? अबे रेक्टिलिनियर मोशन भाई, रेक्टिलिनियर मोशन की शीट खोलो, पेज नंबर थ्री पे आओ, उसमें एग्जांपल टू होगा। सर मतलब अभी से रेक्टिलिनियर मोशन शुरू हो गया क्या? हाँ रेक्टिलिनियर मोशन चालू हो गया, हम आधे तक पहुंच गए हैं। देखो जरा ध्यान से सॉल्ड एग्जांपल टू देखो, तुम्हें उससे भी ज्यादा बता दिया, रेक्टिलिनियर से भी ज्यादा बता दिया, तुम्हें काफी आगे तक आ गए उसमें, सॉल्ड एग्जांपल 7 8 तक आ चुके हो वैसे। एग्जांपल 2 सबने देखा क्या? डायग्राम बना होगा आकांक्षा, देख लिया? नहीं है सर। यस सर। अरे कैसे नहीं आ रहा पार्टिकल स्टार्ट, सॉल्ड एग्जांपल 1, सॉल्ड एग्जांपल 1 है क्या वो? सॉल्ड एग्जांपल 1 तो है राम वाला है, राम। अरे उसके बाद वाला होगा एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए। हां सर मेरे मॉडल में वो एग्जांपल 1 है सर, हेड टू टेल, हेड टू टेल वाला है सर। अरे ऐसे करके डायग्राम बन रखा है यार, गुरु ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे करके कुछ डायग्राम बना होगा। देखो सर एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए ना प्लीज, और इंसान हो यार तुम लोग। A particle starts from a point A and travels along the solid curve shown in the figure. हाँ सर मिल गया, मिल गया। हाँ सर ये third page पे first example। हाँ वही देखो ना उसको, उसको समझो, वो question बताना चाह रहा हूँ मैं आपको।
सर पॉज हो गए। हाँ मैं पॉज हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो करो तुम सॉल्व एग्जांपल, तो उसको करो तो सही, पहले उस सॉल्व एग्जांपल को समझो भाई, सबके सब समझो उसको, वही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अरे आया किसी को समझ में? यस सर। यस सर। मतलब इन दोनों सेंटेंस का ही वही तो है। अरे वही तो बताना चाह रहा हूँ, इतनी देर से खाली इधर से उधर भटक रहे हो तुम लोग, समझो आराम से। ये जो मैं अभी अभी कर रहा था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है। आकांक्षा समझ में आया कि अभी भी मतलब हवा में जा रही चीजें? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता चला हमें? टेंजेंट से। अरे इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर टेंजेंट भी तो यही आएगा ना। हाँ सर समझा। इस पॉइंट पर टेंजेंट भी यही बन गया और एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही आ गई, तो इंस्टेंटेनियस तो टेंजेंट से आ जाता है, तो इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन तो ये है ही, एवरेज की भी यही आ गई क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। अरे भाई और किसी को कोई दिक्कत इसमें? जूबिया समझ में आ गया? सर मुझे अपने वो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, वो नहीं समझा डिस्प्लेसमेंट वाला। अब छोड़ दो उसको, अब वो एक वो छोड़ दो, अब एससी वर्मा को कॉल करना, पूछ लेना उससे। हाँ यार, अरे सिंपल कह रहा हूँ भाई, ये चीज पहले बता चुका हूँ कि जहां को डिस्प्लेसमेंट होगा वहीं को एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आएगा। डेल्टा टी तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, अभी तो बताया था कि ए वेक्टर इज इक्वल टू टू बी वेक्टर दे रखा है, इसका क्या मतलब हुआ? या फिर ऐसा समझो ए वेक्टर आपको दे रखा है थ्री आई कैप, बताओ इसका क्या मतलब हुआ? ए वेक्टर कहां को है? आई कैप में है कि नहीं है? सीधे सीधे आई कैप में है, और कितना मैग्नीट्यूड है? तीन है भाई, इससे कोई मतलब थोड़ा ना है। ए वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप में आ रही है, सेम चीज तो कह रहा हूं। जैसे ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू टू बी वेक्टर, तो मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, बस मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा। वही चीज यही तो है, उसी को देखो ना। अब इतना वेक्टर पढ़ा के क्या फायदा हुआ? ए वेक्टर जो है दिस वेक्टर अपॉन स्केलर है, स्केलर तो खाली मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, यानी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी? चलो हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया जिसको? समझ में आ गया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, यही क्वेश्चन थोड़ा ना आ रहा है पेपर में। जिसको समझ में आ गया उसके लिए यही पेपर क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन में तुमने, लेकिन याद रखो ये सब ये जो बेसिक है ना, ये कॉन्सेप्ट जो कल और आज पढ़ाते हैं बहुत फंडामेंटल्स हैं। अब आप देखो उसका सॉल्व एग्जांपल देखो, आप बहुत आगे तक आ जाओगे, बहुत आगे तक मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो जरा क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आपका। अब हम प्रॉपर काइनेमेटिक प्रॉपर रेक्टिलिनियर में आ जाते हैं। अभी तक मैंने इन जनरल पूरा काइनेमेटिक्स ही बात कर रखी है, अब आप यहां से चाहो तो रेक्टिलिनियर डाल दो, ठीक है? रेक्टिलिनियर, यहां से रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात कर लेंगे। देखो रेक्टिलिनियर मोशन काइनेमेटिक्स के अंदर ही आता है, ठीक है? डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करेंगे। ये कह रहा है आपका पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। अच्छा रेक्टिलिनियर मोशन में होता क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? कुछ नहीं है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। यानी बेसिकली पार्टिकल अब ये ऐसे चलेगा, पार्टिकल एक लाइन में चलेगा। अब वो लाइन चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, जाएगा एक लाइन में। मान लो ऐसे करके जा रहा है, यहाँ फिर ऐसे करके आ रहा है, यहाँ पे ऐसे करके, इसमें कहीं तो ओरिजिन होगा, कहीं तो ओरिजिन होगा। इधर को माइनस वन माइनस टू चलेगा, इधर को वन टू चलेगा, वन टू थ्री चलेगा। अब खाली अगर ऐसे चल रहा है तो जनरल पोजीशन आप बता सकते हो, मान लो एक्स इक्वल टू फाइव पर, बस
अब पोजीशन खाली x इक्वल टू 5 होगी, मान लो यहाँ पर है पार्टिकल, यहाँ पर 5 पर है, पोजीशन क्या आ गई, पोजीशन अब x इक्वल टू 5 आ गई। अब पूरा वेक्टर नहीं लिखना है, पूरा वेक्टर लिखोगे भी तो कितना आएगा, 5 y कैप आ जाएगा, बस कितना होता था x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, होता था कि नहीं होता था। अब सिर्फ x वाले से काम बन जाएगा क्योंकि एक ही लाइन में चल रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक लाइन में चल रहे हो तो सिर्फ आगे x वाला कंपोनेंट देखना है आपको, तो x इक्वल टू 5 इसकी पोजीशन आ गई। अब हम प्रॉपर वेक्टर नहीं लिखेंगे, अब हम खाली आगे x वाले में देख के चल रहे हैं बस, तो x इक्वल टू 5 इसकी लोकेशन आ गई। अभी तक क्या होता था, लोकेशन कैसे आती थी, 5i कैप प्लस 7j कैप प्लस 10k कैप मान लो, इसका क्या मतलब है 5, 7, 10 पर रहा होगा तो 3D में रहेगा। अभी क्या है, स्ट्रेट लाइन में हम इसको x एक्सिस में बना लेंगे, अब इसकी लोकेशन सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अरे आई बात समझ में है कि नहीं आई, आई सर, हां सर आ गई, ठीक है चलो बढ़िया। अगर पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, क्योंकि पत्थर तो ऊपर ही फेंकेंगे, अपने को शांति थोड़ी ना मिलती है, कार ही थोड़ी ना भगानी, पत्थर भी ऊपर को फेंकना, ऊपर से नीचे भी फेंकना है, लेकिन वर्टिकल फेंकना है, तो उसमें हम वाई ले लेंगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, एक्स भी ले सकते हो, इसको एक्स भी ले सकते, x को ऐसे ले लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करना है, मोशन एक लाइन में होगा, एक लाइन में है तो हम उसके अलावा कोई एक्सिस बना लेंगे, और x बनाओ, y बनाओ, z बनाओ, कोई बनाओ। अच्छा, हम अब i कैप या माइनस i कैप नहीं लिखेंगे, हमने एक ओरिजिन बना लिया है जो पॉजिटिव साइड है, इधर एक साइड को पॉजिटिव बना लेंगे, एक साइड को नेगेटिव बना लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 5, बस खत्म। अब ऐसा थोड़ा ना लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 5 i कैप लिखना पड़ेगा, है ना, या फिर ऐसे बोल दो 5 माइनस आई कैप, बात एक ही है। अब हम सिंपल x इक्वल टू प्लस 5 या माइनस 5 के हिसाब से चलेंगे, पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पूरा वेक्टर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, खाली बस एक कोऑर्डिनेट से तो चल रहे हैं, जब एक ही कोऑर्डिनेट है तो प्लस में लिखो माइनस में लिखो, बस सिंपल लिख दो उसको, अंडरस्टूड है वो कहाँ है, ठीक है। अब 3D में है तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा यार, आई कैप इसका प्लस का है कि माइनस का है, जे कैप इसका प्लस का है कि माइनस का है, ठीक है। तो अभी हमारा रेक्टिलिनियर में ये चलेगा, तो अब ये सिर्फ समझ में आ गई बात है, हाँ सर ठीक है चलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपसे पोजीशन बोलेगा, अब क्वेश्चन से सीखना है, वो आपको क्वेश्चन दे रखा है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन varies as, या फिर ऐसे बोलेगा और बोलेगा along x axis, along x axis, ऐसे करके कुछ बोलेगा, x is equal to दे देगा t square minus 2t plus 6, ऐसे करके कुछ देगा, फिर पूछेगा find velocity and acceleration, find velocity and acceleration, ठीक है, find velocity and acceleration, निकाल लोगे भाई, निकाल लोगे, हाँ सर, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, हाँ अब dx, बस dx by dt करते जाओ, फटाफट करते जाओ, 2t minus 2, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अब वेक्टर मत बनाओ, ठीक है, वेक्टर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, प्लस में आ रहा होगा प्लस में आएगा, माइनस में आ रहा होगा माइनस में आएगा, प्लस में आ रहा है मतलब अगर इधर को पॉजिटिव माना है, प्लस में आ रहा है मतलब इधर को है चीज, वेलोसिटी प्लस की है मतलब इधर है, वेलोसिटी माइनस की है पीछे है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है आगे का है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है पीछे का है, ये मत बोलना एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का कभी मतलब नहीं होता गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का कभी ये मतलब नहीं होता कि गाड़ी डी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का सिंपल मतलब है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, कोई भी चीज हमारा यहाँ पर वन डायमेंशन मोशन में है, कोई चीज पॉजिटिव है मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव है नेगेटिव डायरेक्शन में, और कोई मतलब नहीं है उसका। एनसीईआरटी का काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन चल रहा होगा या काइनेमेटिक्स जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, कितना आया 2 निकल गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इस चीज को, जरा ध्यान से देखो, अब आपसे पूछेगा मान लो t is equal to 2 सेकंड पर, t is equal to 2 सेकंड पर क्या हुआ है, t is equal to 2 सेकंड पर x कितना आ गया, t is equal to 2 सेकंड पर x कितना आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 6 आ गया, v कितना आ गया, v कितना आ गया, v आ गया आपका 2 into 2 minus 2,
टू आ गया, एक्सलेशन कितना आ गया, एक्सलेशन तो कॉन्स्टेंट है। अब जरा ध्यान दो कि भाई t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर x 6 आया, मतलब जब ये x एक्सिस में चल रहा होगा x इज इक्वल टू 6 पर पहुंच गया, वेलोसिटी 2 है 2 सेकंड पर, वेलोसिटी 2 निकल के आ रही है, मतलब उसकी स्पीड हो गई होगी, उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। अब मान लो मैंने इधर पॉजिटिव माना हुआ है, तो पार्टिकल इधर को जा रहा है, ठीक है, कहां पर है इस इंस्टेंट पर, वो x इज इक्वल टू 6 पर है, x इज इक्वल टू 6 पर है, यानी वो ऐसे होगा, अगर ये ओरिजिन है, ये कोई 6 है, तो वेलोसिटी भी इधर को है 2, एक्सेलरेशन भी इधर को है 2, बताओ t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। अब एक काम करो, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर देखो, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर देखो, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर क्या होगा, x कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर x कितना आ रहा है, हां भाई x कितना आएगा, 5 v कितना आएगा, t को 1 पुट करके देखो 0 0 और एक्सलेशन 2 आ गया, यानी कहां पर था, यानी ये कहां पर रहा होगा, 0 है, यहां कहीं 5 रहा होगा, 5 पर रहा होगा, एक्सलेशन इसका प्लस में है, एक्सलेशन इसका है 2, वेलोसिटी है 0, यानी इस इंस्टेंट पर रुका होगा, इस इंस्टेंट पर रुका होगा। अरे थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर चल रहे हैं, उसी को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मतलब कोई तो रुका है क्या, ये t equal to 1 सेकंड पर रुका होगा, उस इंस्टेंट पर रुका होगा, उसके बाद चला है भाई 2 सेकंड पर वेलोसिटी आ गई, मतलब चला तो है ही, समझा सर, ठीक है। अच्छा एक्सलेशन सबको समझ में आता है, एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी, हाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सलेशन एक ऐसी चीज है जो वेलोसिटी को बदल सकता है। अब पूरे रास्ते में देखो एक्सलेशन 2 है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, हमेशा आगे को है एक्सलेशन 2 के हिसाब से, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड बोल दू ना, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सलेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे देखो, इस क्वांटिटी को ऐसे देखा करो, 2 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड। अरे क्लास चल रही है, अरे कौन है भाई, माइक तो ऑफ कर लो, 2 मीटर पर सेकंड है, इसका क्या मतलब है कि भाई एक सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड का चेंज लेके आ जाएगा वेलोसिटी, एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज लेके आएगा। देखो t इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 0, एक सेकंड बाद, एक सेकंड के बाद वेलोसिटी 2 हो गई, देखो 2 का बदलाव लाया कि नहीं लाया, t इक्वल टू 1 सेकंड पर 0 थी, मैं कंफर्म है, मैं ये बता सकता हूं t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी -2 आई होगी, बताओ t is equal to 0 कर लो, t is equal to 0 करो, velocity -2 है ना, तो -2 से 0 करा, पहले कहां थी velocity, जरा ध्यान दो, t is equal to 0 पर velocity पीछे को थी, location छोड़ो, location कहीं भी हो सकती है, location आगे है पीछे है उससे मतलब नहीं, लेकिन ये particle पीछे को जा रहा था, particle वहीं को जाएगा जहां को उसकी velocity होगी, particle वहीं को जाता है जहां को उसकी velocity होती है, तो t is equal to 0 पर, t is equal to 0 पुट किया आपने, velocity -2 आई है, ठीक है, मतलब पीछे को जा रहा है, ठीक है, हाँ आगे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन जा पीछे को रहा होगा, ठीक है, positive x में हो सकता है, लेकिन पीछे को जाएगा, इतना confirm है, minus का sign ये indicate कर रहा है, acceleration का मतलब समझा रहा हूँ, 2 meter per second square constant है, मतलब 2 meter per second का बदलाव करेगा velocity में हर एक second, तो 2 पीछे को है, एक्सेलरेशन 2 का आगे को है, तो 1 सेकंड के बाद ये 2 का बदलाव करेगा, कहां को करेगा, आगे को, तो ये 2 को क्या करेगा, पहले 0 करेगा 1 सेकंड के बाद, फिर अगले सेकंड में 2 से बढ़ा देगा, फिर अगले सेकंड में 4 कर देगा, फिर अगले सेकंड में 6 कर देगा, समझ में आया एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, हां सर, एक थोड़ा एक खाली फार्मूला है dv/dt, फिर उसको इस्तेमाल करना सीख सर, वो क्या 6 कैसे आया, उसका मीनिंग क्या, अरे
ई को टू पुट करो ना एक्स सिक्स आएगा कि नहीं आएगा, इसकी लोकेशन बता रहा हूँ। मतलब अभी वो पार्टिकल वहां पे है। हाँ, t इज इक्वल टू टू सेकंड पर, उस टू सेकंड पर लोकेशन ये है, वेलोसिटी भी आगे को है, एक्सेलरेशन भी आगे को है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। अच्छा t इज इक्वल टू जीरो भी एनालिसिस कर लो, t इज इक्वल टू जीरो की बात कर लो, t इज इक्वल टू जीरो पर x कितना आ रहा है, t इज इक्वल टू जीरो पर x आ रहा है सिक्स, बताओ t इज इक्वल टू जीरो पर आ रहा है सिक्स, और v कितना आ रहा है, v कितना आ रहा है t is equal to minus 2, minus 2, acceleration तो 2 आ रहा है। यानी हुआ क्या है, जरा ध्यान से देखो, 0 किया 1 किया 2 किया हमने, 0 किया 1 किया 2 किया, locations देखो इसके, यार locations को observe करो पहले तो, ये है मान लो ये x is equal to 0 है, यहाँ कहीं x is equal to 5 है, यहाँ कहीं x is equal to 6 है। ध्यान दो, सबसे पहले हमने t को 0 पुट किया, कहां था लोकेशन, यहां पर t इक्वल टू 0 पर, यहां था, वेलोसिटी कहां को है, t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, माइनस टू है, मतलब ये इधर को जा रहा होगा, इसकी वेलोसिटी इधर को 2 मीटर पर सेकेंड होगी इस इंस्टेंट पर, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव की ओर को जा रहा होगा, पॉजिटिव में है लेकिन जा नेगेटिव की ओर को रहा होगा, ठीक है ना, वेलोसिटी के आगे माइनस का साइन आने का मतलब पीछे को जाएगा, हमने इधर को पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है, उधर की चीज नेगेटिव हो गई तो पीछे को जा रहा होगा, एक्सेलरेशन कहां को है, एक्सेलरेशन इसका आगे को है। अब बताओ एक्सेलरेशन आगे को है, स्पीड पीछे को है, ये केस है, इस केस में ये बॉडी हो रही होगी, इस केस में डी एक्सेलरेट करेगा, इस केस में डी एक्सेलरेट करेगा, क्यों, वेलोसिटी आगे को है, वेलोसिटी इधर को है, एक्सेलरेशन उधर को है, जब भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे गाड़ी स्लो डाउन होगी, जब आपकी गाड़ी आगे को जाती है वेलोसिटी आगे को ब्रेक लगाते हो तो एक्सेलरेशन पीछे को आता है, जिसको आप डी एक्सेलरेशन बोल देते हो, ठीक है, डी एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, आप अपोजिट में लगा दे रहे हो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के जब भी अपोजिट में डायरेक्शन आएगा गाड़ी स्लो डाउन होगी, वो डी एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। अरे आई बात समझ में? हाँ सर। यहाँ पर वो रुक गया, इसका एक्सेलरेशन अभी भी आगे को चल रहा है, एक्सेलरेशन तो फिक्स है आपका, ठीक है, यहाँ पर आके वो रुक गया, उसकी वी जीरो हुई, फिर क्या किया, फिर उसके बाद वो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर देखो वापस छेक आया, आगे को भागते हुए आएगा, क्यों, क्योंकि उसके पहले स्पीड यहां को थी, एक्सेलरेशन पीछे को था, तो रुक रहा होगा, रुकेगा, रुका है, एक्सेलरेशन तो अभी भी है, अगर एक्सेलरेशन अभी भी है तो अब आगे को भागना चालू करेगा, अब ये चलता ही जाएगा, आपने एक्सेलरेटर खोल रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो चलता ही जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम का एनालिसिस समझ में आया, ये बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम बन गई आपके लिए, ठीक है सर, लेकिन इसमें पूरा आपका बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये आपके एडवांस की प्रॉब्लम है ऐसे देखा जाए तो इसी को जरा डिटेलिंग में समझ लो, मोशन कैसे चल रहा है, प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, इस केस में एक्सेलरेट कर रहा है, क्यों एक्सेलरेट कर रहा है, समझ में आई बात, तो आप एक चीज और लिख सकते हो, इतना तो कर ही लिखना, उसके बाद एक चीज लिखना, इफ वी एंड ए have same sign, that means acceleration, body will accelerate, else, यानी जब opposite sign होंगे आपके, body will deaccelerate. Deaccelerate. आई बात समझ में, इतना लिख लेना, तो acceleration, deacceleration कैसे पता करते हुआ? A का minus sign आ गया, उसका मतलब deacceleration नहीं है, A का minus है और velocity का भी minus है, A का आ गया minus 4, velocity है आपकी minus का 10, इसका क्या मतलब हो गया भाई, दोनों
वेलोसिटी पीछे को है 10, माइनस साइन तो बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि पीछे को है, इधर को पॉजिटिव मान रखा है तो वेलोसिटी पीछे की साइड को है, इस डायरेक्शन में है, कितनी है 10 है, मैग्नीट्यूड कितना है उसका 10 है, माइनस साइन तो इंडिकेट कर रहा है बस इधर को है, एक्सेलरेशन भी इधर को है या वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है तो रेस प्रेस अप करेगा कि नहीं करेगा, स्पीड अप करेगा, तो ये एक्सेलरेशन का केस है, इस केस में बॉडी एक्सेलरेट करेगी, ये है एक्सेलरेशन का केस। सर वो ट्रायंगल का मीनिंग क्या लिखा है आपने, मतलब एंड लिखा है क्या वो? हाँ सर, वो इफ वेलोसिटी उसके बाद क्या लिखा है? वी एंड, हाँ वी एंड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है सेम साइन। अरे लिखिया क्या सर, मतलब सेम साइन होगा तो एक्सेलरेट भी होगा और डीएक्सेलरेट भी होगा क्या? अरे सेम साइन होगा तो एक्सेलरेट करेगी, नहीं तो एल्स, अगर अपोजिट साइन हुआ तो डीएक्सेलरेट करेगी। आकांक्षा समझ में आया क्या? हाँ सर, थोड़ा 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 थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे आगे की प्रॉब्लम है ये, इसको लिख लो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है आपके लिए, चलो देखते हैं। अब आसान आसान से चलते हैं, ये तो था मतलब वो होता ना आउट ऑफ द बॉक्स करना, रेगुलर लेक्चर के हिसाब से ये प्रॉब्लम अभी होनी नहीं चाहिए, हमें तो लगा सर ठीक है मजा आ रहा, लेकिन कुछ दिखा तो होगा यार कैसे हो रहा है, मतलब एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अभी तो 9th 10th का प्रत्यय है, वो 9th में पढ़ा है, उससे डिफरेंट होगा, उससे अच्छी सिचुएशन एनालाइज होंगी, इतने अभी तक बस इसमें, अरे सबके लिए इजी नहीं था भाई ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो आप आगे की प्रॉब्लम काफी कर सकते हो। मेरा भी एग्जाम आने वाला है तो मेरा भी रात भर पढ़ ही रहा था मैं भी, तो दिमाग मेरा भी वो हो रखा है ना, रखता भी वो होता ना वो सिलेबस ज्यादा होता है। कौन सा एग्जाम सर? अरे उसका है इंजीनियरिंग सर्विसेज का होता है, ईएसई इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होता है ना, यूपीएससी कंडक्ट करवाते। जॉब के लिए क्या? हाँ बेरोजगारी नहीं, पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए, जॉब के लिए नहीं। जो वो बोलते ना आपके क्या बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में जो ऑफिसर बनते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में बनते हैं, आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पे आते ना, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से चालू होती है। हाँ सर, तो अभी से मेरी गवर्नमेंट में पहचान है। ठाकरे साहब से है क्या कुछ अलग से जान पहचान? सर चाचा। अरे रेजिडेंस कब तक पढ़ाऊंगा भाई, क्या आगे नहीं बढ़ना क्या? रेजिडेंस भी पढ़ाते रहो आगे भी तो सही बात है सर। सर हमें मत भूलना बस। हाँ हाँ मैं सगलीन देख रही थी, तुम्हें भूलूंगा कैसे मैं, चलो और दिखाना भी मत अभी सगल ठीक है, बाद में। ये हो गया ना, लिखिए इसके बाद देखो सिंपल सिंपल चलते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से चलते हैं आप, सिस्टमेटिक चलते हैं। देखो कोशिश क्या करो ना, थोड़ा
ठीक है अलोन मैं मैकेनिक्स है अनुभव वाली है, लेकिन कोशिश क्या करो दिमाग में डालने की चीजों को, क्योंकि अभी दिमाग कुछ लोगों का मेरा भी करता था, दिमाग एकदम एक्सेप्ट नहीं करता चीजों को शुरू से मैं, क्योंकि नया लोड बहुत आ रहा है ना, लोड बहुत आ रहा है, नई नई चीजें देख रहे हो, उधर भी नया दिख रहा है, इधर भी नया दिख रहा है, सब नया नया कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो एक्सेप्ट कराओ करो उसको, मेहनत करो, थोड़ा दिमाग में डालने की कोशिश करो, अभी नहीं आएगा, लेक्चर आगे बढ़ेगा, दो तीन लेक्चर के बाद समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ था, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार तो आपको शीट के क्वेश्चन सिखा देंगे, क्योंकि देखो फिजिक्स तो जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे बनेगी नहीं, सीखोगे नहीं आप, थ्योरी से थोड़ी ना होती, थ्योरी कोई पढ़ा दे, प्रॉब्लम जो सीखोगे फिजिक्स वो न्यूमेरिकल से ही सीखोगे आप, देखो तो सबसे पहले हम टाइप ऑफ मोशन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या बात कर रहे हैं, हमारी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, हाँ भाई हमारी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताओ भाई ए कितना होता है dx by dt, याद है कि सॉरी ए कितना होता है dv by dt, सबको पता है कि नहीं पता, जीरो, ठीक है, अब मैंने वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम वन डायमेंशन में चल रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है v या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, जो भी है जीरो आ जाएगा, अच्छा v कितना होता है, v होता है dx by dt, बताओ v होता है dx by dt, तो dx कितना आ जाएगा v dt, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, v होता है dx by dt, dr by dt नहीं, अब हम खाली dx by dt लिखेंगे, vx होता ना vx होता था dx by dt, अगर आप तीनों डायमेंशन लेके चल लो, लेकिन अभी हमारा पता है हमें एक ही डायरेक्शन में होने वाला है, तो जो v होगा वो खाली x पोजीशन हमारी x के हिसाब से चलेगा, तीनों नहीं चल रही है, तो v सिंपली आपका dx by dt होगा, सर क्लियर है, हाँ सर, आप जो अब तक r वेक्टर ले रहे थे वो क्या था, r वेक्टर में क्या था आपका पोजीशन x i cap plus y j cap प्लस जेड के कैप चल रही थी, तो वेलोसिटी वेक्टर जो डिफाइन होता है वो ऐसे होता है डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी, तीनों कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा था, अब हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो हम खाली बस हम इस पर डिपेंडेंट, वाई और जेड तो चल ही रहा ना, वाई जेड पर तो पोजिशन नहीं रही है, तो हमारा सिंपल पोजीशन ऑफ आर वेक्टर की जगह पर आर वेक्टर या तो हम एक्स आई कैप लिख सकते हैं, अब हमारा इतना ही बचा है बस, तो हम इतना क्यों लिखे हैं एक्स आई कैप या माइनस आई कैप क्या डिनोट करता है, प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये तो डिनोट करता है प्लस आई कैप मतलब प्लस एक्स एक्सिस में, माइनस आई कैप मतलब माइनस एक्स एक्सिस में, तो हम पोजीशन को सिंपली एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एक्स प्लस का होगा तो पॉजिटिव एक्स है, एक्स माइनस का होगा तो नेगेटिव एक्स है, क्योंकि एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है ना, बाकी दो तो कौन, ये तो है ही ना, वाई और जेड तो जीरो चल रहे हैं, पता मैं तो, हाँ सर समझा, आई बात समझ में, ये ज्यादा जनरलाइज केस है, अब हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट पर फोकस कर रहे हैं, अरे क्लियर है, इसलिए अब वी डी एक्स वाई, हाँ सर क्लियर है, वी डी एक्स वाई डी टी अब इसलिए लिखा हुआ है, नहीं तो प्रॉपर ये है, ठीक है, अब हम वन डायमेंशन, ओके सर, हाँ भाई ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करोगे, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो मान लो t इज इक्वल टू जीरो पर ये लोकेशन था x इज इक्वल टू x इनिशियल, t इज इक्वल टू t पर, t इज इक्वल टू t तक इंटीग्रेट कर लो, t इज इक्वल टू t तक, तो x की वैल्यू हो गई x मान लो, या फिर इसको x, हाँ चलो इतना सही है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x, कहां से कहां तक करना है, x इनिशियल से लेके कोई जनरल, x क्या है, कोई जनरल t टाइम पर लोकेशन x हो गई है इसकी, तो ये हो गया, v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v बाहर आ जाएगा, v कांस्टेंट है तो v को बाहर ले लेना, इंटीग्रेशन dt बनेगा 0 से लेके t तक, ठीक है, 0 से लेके t तक, t इक्वल टू जीरो से लेकर t इक्वल टू t बोलो या फिर सिंपल बोलो जीरो से लेकर t तक, तो जब t की वैल्यू जीरो थी लोकेशन थी उसकी x i, हो सकता है t इक्वल टू जीरो पर वो ओरिजिन से ना चालू करे, वो फाइव से चालू करे या माइनस टेन से चालू करे, तो मैंने बना लिया,
तो कितना हो जाएगा डीटी का इंटीग्रेशन, डीटी का इंटीग्रेशन टी जीरो से लेके टी तक पुट करोगे, बताओ कितना आ गया यहाँ पर, x माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू vt, इतना बन गया। x माइनस x इनिशियल क्या हो गया, x माइनस x इनिशियल हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता। हाँ, s यहाँ पर s जो x माइनस x आई है ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो आपका सिंपली इतना पता चल गया है वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, उसका साइन भी फिक्स है, तो वेलोसिटी फिक्स है मतलब कितना है मान लो 50 मीटर पर सेकंड, साइन भी फिक्स है यानी 50 मीटर पर सेकंड से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, घूमेगा नहीं, घूमेगा नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन भी फिक्स है उसकी, मैग्नीट्यूड तो फिक्स ही है, ठीक है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही तो डिस्टेंस होगा। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन का केस आता है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगी, बस इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बस इससे काम बन जाएगा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई सर। सर आपने कौन सा इंजीनियरिंग की है? हमारी है सिविल इंजीनियरिंग। ओके सर। लोहा लक्कड़ वाला काम हमी को करना पड़ता है। x is equal to final आएगा ना, अपने x is equal to x कैसे लिखा? हाँ x is equal to x final बोल दो या फिर जनरल x बोल दो, मैंने t माना है यहाँ पर, t is equal to या तो t final बोलो तो बेटर रहता है कि जनरल, जैसा अभी तक था ना x, अभी बताई थी क्वेश्चन x is equal to t square plus 2t plus 4, कोई ऐसा करके t को जीरो पुट करो, t को जीरो पुट करो, x कितना आ रहा है 4, तो बेसिकली जीरो पर ये चालू कर रहा है, जीरो पर ये कोई इनिशियल लोकेशन से चालू कर रहा होगा, वो लोकेशन है 4, ठीक है, और कोई जनरल t टाइम पर, जनरल t टाइम पर x है आपका, जनरल t के साथ रिलेशन निकालना है तो x मान लिया, मैं इसको x फाइनल भी लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन हम जनरल x लेके चलते हैं, तरीका है उसका। t is equal to 0 पर कहीं था लोकेशन, t is equal to जनरल टाइम t पर x कोई जनरल x बना लिया, कोई जनरल x पहुंचा होगा, समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है, तो ये करने का तरीका है, जब भी इंटीग्रेट करोगे जनरल फंक्शन निकालना है, शुरू में कुछ कंडीशन होगी, ऊपर तो कोई जनरल ले लेना, t ले लिया, इधर भी x ले लिया, अब इसमें बताओ, इसमें बताओ अगर ग्राफ की बात आएगी, मेरे ख्याल से वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना लोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आप बना लोगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दिखा लो, अगर मैं एक्स की कर्व बनाता हूं तो कैसा होगा बताओ, बताओ भाई, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा? कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कोई फिक्स वेलोसिटी चल रहा है, समझ में आया? v की वैल्यू यहाँ पर जो भी होगी 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड सब वही चल रहा है, टाइम कुछ भी चेंज कर लो 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, क्लियर है? हाँ सर। एक्सलेशन के बारे में क्या है? एक्सलेशन जीरो चल रहा है, एक्सलेशन जीरो चल रहा है, ठीक है, देखो हर एक की इक्वेशन आएगी, हर ग्राफ की एक इक्वेशन होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्सेलरेशन वाई में प्लॉट है, वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो कौन सी लाइन होती है, एक्स एक्सिस होती है कि नहीं होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस तो होती है, यानी बेसिकली ए इज इक्वल टू जीरो कहाँ मिलेगा, टी एक्सिस में, वी कॉन्स्टेंट है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, वी कहाँ प्लॉट हो रखा है, वाई में, तो वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन, वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन ऐसे होती कि नहीं होती है, y is equal to 5 की लाइन, अब रिलेट करो जितना स्ट्रेट लाइन पढ़ा रखा है वगैरह वगैरह, तो सबका जरूरत आएगी यहाँ पर। अब नेगेटिव में क्यों नहीं बनाया, नेगेटिव में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि समय नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है, इसका बना के दिखा दो, इसका इसका x की कर्व कैसा आएगा सर? x इनिशियल से स्ट्रेट स्लोप बनेगा, स्ट्रेट लाइन, ये देखो ये देखो ये देखो, x is equal to vt plus x initial,
कुछ याद आ रहा है? y इज इक्वल टू एम बना है, x बना है प्लस c बना है। ग्राफ किस किसके बीच में? x और t के बीच में। ये y की तरह ट्रीट हो जाएगा, t आपका x की तरह ट्रीट हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, स्ट्रेट लाइन याद आ रही कुछ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ सर। ठीक है, तो ये भी तो उसी फॉर्म है, x इज इक्वल टू वी टी प्लस एक्स आई। x ये यहाँ हो गया y, y में काम करेगा, x y की जगह काम करेगा, x की जगह पे कौन काम कर रहा है? t। ठीक है, ये क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो इनिशियल से चालू होगा ऐसे करके, ये वाला आपका x इनिशियल होगा। अच्छा, इसका स्लोप क्या देगा? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप v दे देगा। इसका स्लोप v आएगा। बताओ, अगर मैं ये लाइन खींचता हूं, ये एंगल थीटा निकालता हूं, याद आ रहा स्लोप की कहानी? तो tan थीटा की वैल्यू v के बराबर होगी। हाँ सर। समझ में आई बात की नहीं आई? सर आई। सर सेकंड वाला ग्राफ। हाँ बोलो। सर x इज इक्वल टू vt प्लस xi हमने कैसे लिया? यहाँ से लिया ना, देखो। हाँ सर समझा। सही है ना? ग्राफ किस किसके बीच में? x और t के बीच में बनाना है, तो कोई ना कोई पक्का इक्वेशन होगी आपका। vt में बनाना है तो एक इक्वेशन है v इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट चलने वाला है, समय के साथ चेंज नहीं होगा। एक्स एक्सिस ग्राफ बनाना है, a जीरो चल रहा है, समय पे डिपेंड ही नहीं है, कांस्टेंट चल रहा है। ठीक है, कांस्टेंट चल रहा है लेकिन जीरो चल रहा है। सर हाँ सर, वो सेकंड ग्राफ कैसे बनाया आपने? एक्सीलरेशन ऑफ टाइम t। अरे एक्सीलरेशन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। कुछ सोचो यार, एक्सीलरेशन जीरो कहाँ मिलेगा? यार एक्सीलरेशन कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, एक्सीलरेशन जीरो इस लाइन में तो मिलेगा। हाँ सर। सर हाँ सर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला एक बार फिर से बताइए प्लीज। लेक्चर में एब्सेंट थे क्या, स्ट्रेट लाइन वाले में? हाँ सर। कैसे समझ में आएगा? एक काम करना, वो उसमें पड़ा हुआ है, वो कम से कम मैंने अपलोड कर लिया था, वो आपको पढ़ा हुआ है उसमें, मैसन इम्पल्स करके होगा यूट्यूब में चैनल, उसमें मैंने बीच आगे ग्राफ करके लिखा होगा, देखो उसमें ग्राफ देखना, स्ट्रेट लाइन का कहीं पढ़ाया होगा। ओके सर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का देख लेना, ये तो नेट यूट्यूब पर देख लेना, कोई तो स्ट्रेट लाइन पढ़ाई देगा। और हो जाएगा ऑप्शन, किसने कहा था ऑप्शन होने का? टाइमिंग ही वैसी थी, रोज 4 बजे से चालू होता है, उस दिन 2 बजे से चालू हुआ, पता ही नहीं चला कब चालू हुआ। बढ़िया, अब तो मैथमेटिकल टूल्स सब जगह खत्म भी हो गया होगा। ये बाकी को पता है mx plus c की कहानी? c y इंटरसेप्ट, c क्या होता था? y इंटरसेप्ट, y में कहां पर कट करेगा, आगे को लाइन जाएगी, स्लोप हम पॉजिटिव मान के चल रहे। अच्छा, नेगेटिव स्लोप होगा तो नीचे को आएगी, तक ऐसे नीचे को आएगा। ठीक है, चलो एक काम करो, क्वेश्चन करो। यार इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे ना आपको। ये लिख लिया क्या सबने? हो गया सबका? अच्छा
चलो देखो ठीक है ठीक है। देखो इसके बाद क्या होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आता है क्या? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? ए का वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाना, भले ही ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो या माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, लेकिन कॉन्स्टेंट होगा, जैसे इससे पहले वाली प्रॉब्लम में किया, याद है उधर? ठीक है, अब याद आप, अब इसको देखो, इसकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, ये आप कर चुके हो, ये दोनों केसेस, इससे पहले वाला और ये वाला आप वहां कर चुके हो 9th क्लास में, यहां से वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगे। ठीक है, क्या होती थी भाई? हाँ भाई, क्या होती थी वो इक्वेशन? s is equal to ut plus half at square 2s is equal to this। सबसे पहली वाली कौन सी होती है? t is equal to u plus 8। तेरा दिमाग में रखो, सब के सब v is equal to u plus 8। उसमें अगर a को 0 कर दोगे क्या कंडीशन निकल के आ रही है? अगर a को 0 करोगे तो v is equal to u, v is equal to u, इसका क्या मतलब हो गया? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है। हां सर, इससे पहले वाले केस में ही तो चल रहा था, एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है। ठीक है, इस केस के अंदर ये केस आ जाता है अपने आप भाई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ए की वैल्यू कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट 0 भी तो हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 भी तो हो सकता है, वो कांस्टेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया, 0 भी तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट निकल के आ जाएगी, कुछ निकल के आएगी वेलोसिटी सर। ठीक है, s = ut + half at square, a को 0 करो, a को 0 करो, s = ut मिलेगा। यहां पर जो इक्वेशन लिखी थी s = vt वही तो था। अरे समझ में आया सर? हाँ सर, वो थर्ड ग्राफ में जो लाइन है ना, स्लोप से क्यों स्टार्ट की है? क्योंकि ये ऐसा होता है, अब ये क्या बताया था यार, स्ट्रेट लाइन डिवाइस करना, तुम स्ट्रेट लाइन डिवाइस कर जाना भाई, पहले उतनी मेहनत करके स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी, रिवाइज करके आना उसको। आज का बस हुआ चैप्टर खतरनाक है, चैप्टर में तो अभी खाली दिखा रखा, होता क्या है, आपको अच्छी चीजें दिखा दी है, अब सिंपल है चैप्टर, अब कोई टफ नहीं है। हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ, चलो एक काम करो, सबसे पहले क्या लिखना आता है? a इक्वल टू कांस्टेंट है, a कितना होता है भाई, a वेलोसिटी के टर्म्स में a कितना हो जाएगा? अरे a कितना होता है? dv by dt। dv को एक साइड लिखो, a dt एक साइड पहुंचाओ, ये सबके स्कूल में भी आता है, बोर्ड में आता है, dv by dt इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, बताओ क्यों? एक्सेलरेशन बाहर क्यों आएगा? कांस्टेंट है। t is equal to 0 पर, t is equal to 0 पर velocity हमने u मान ली, t is equal to t पर velocity हमने v मान ली, t is equal to t पर कोई general velocity v मान ली, t is equal to 0 पर velocity u मान ली है, ये initial है, t is equal to 0 पर velocity u, ये initial velocity, t is equal to t पर velocity v, integrate करो, dv का integration v, limit लगेगी u से लेके v तक, a, dv का integration t, limit लगेगी 0 से लेके t तक, बताओ बताओ भाई, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 80, बताओ पहली इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर? ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन तक पहुंचते हैं अब। अच्छा, v को क्या जान लो, v कितना होता है? हाँ भाई, हमारा v और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? v कितना होता है? dx/dt, याद आ रहा है कुछ? अरे v कितना होता है? dx/dt, और हमारा v क्या निकल के आ चुका है इस केस में? हमारा v निकल के आ चुका है u plus 80, बताओ u plus 80। ठीक है, तो dx को एक साइड रखो, u plus 80 को एक साइड ले जाओ, dx को एक साइड रखो, u plus 80 को एक साइड ले जाओ, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इंटीग्रेट मार लो, इंटीग्रेट मारो दोनों साइड,
अब इंटीग्रेट कैसे करोगे? शुरू में मान लो ये था x इनिशियल पर, यहाँ x नॉट बोल दो, x इनिशियल बोल देते हैं, चलो x i पर था, कोई जनरल टाइम t पर, कोई जनरल टाइम t पर ये x पर पहुंच जाएगा। dx का इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, x इनिशियल। अब यहां पर कैसे इंटीग्रेट करोगे जरा ध्यान देना, u dt प्लस at dt, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लिमिट अभी रहने दो, इसमें से u बाहर आ जाएगा। बताओ u बाहर क्यों आएगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है, t इज इक्वल टू जीरो पर जो वेलोसिटी होगी वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी कि नहीं होगी, इनिशियली कुछ वेलोसिटी से तो चालू करेगा, भले ही वो जीरो से करे या पांच से करे, लेकिन एक कोई फिक्स वैल्यू से चालू होगी कि नहीं होगी। अरे ठीक है, तो u बाहर आ गया, सेम तरीके से a बाहर आ गया, इंटीग्रेशन बता t dt का कितना हो जाएगा बताओ, u into t, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर t तक, इसका कितना हो जाएगा t square upon 2, 2 बाहर ले लो, जीरो से लेकर t तक, लिमिट पुट करो x minus x initial is equal to ut plus half at square, यही चीज आपकी s होती है, यही चीज आपकी s होती है। s क्यों होती है? क्योंकि s होता है displacement, याद रखना s displacement होता है, तो final position minus initial position। बताओ कोई दिक्कत इसमें? नो सर, लिखो, चलो इतना लिख लो, आज के लिए इतना ही बहुत है, तुम लोग थक गए लग रहा है। सर बस हो गया? हाँ बस हो गया। एक काम करना, देखो शुरू के 6-7 एग्जांपल होंगे ना, वो कम से कम कर लेना, बहुत आसान आसान से है, ठीक है? कल आप क्लास लोगे? क्यों नहीं लूंगा सर, मतलब वो डिस्कशन होगा मैथमेटिकल टूल्स का, वो कल होगा या फिर संडे को? संडे को थोड़ा ना क्लास है, कल ही होगा कल। अरे डिस्कशन में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा, लेकिन आज तुम्हें समझाते हुए मेरे को समझ में आ गया कि शायद एक घंटा भी लग सकता है। तो एक काम करना, कल समय पर आ जाना, डिस्कशन चालू करेंगे, आधा पौना घंटा कर लेंगे मेरे ख्याल से, उसमें हो जाएगा मैथमेटिकल टूल्स। अरे डाउट है क्या किसी के मैथमेटिकल टूल्स में? वो थर्ड ग्राफ थोड़े बहुत है सर, हाँ सर है थोड़े, हाँ तो बस उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे इसमें। अरे सर वो थर्ड ग्राफ समझ में नहीं आया तो एक काम करो, पुराना कॉपी खोल के देखना जहाँ पर ग्राफ पढ़ा रखा है, जहाँ पर y इक्वल टू mx प्लस c पढ़ा रखा है, उसको समझना जरा ढंग से। सर मैथमेटिकल टूल्स का? हाँ मैथमेटिकल टूल्स में एक दिन ग्राफ पढ़ाया था। सर तुम किताब खोलते हो नहीं अपनी, कॉपी खोलते हो नहीं, मेहनत करते हो नहीं, फिर अगले दिन सोचते हो कि भाई सब आ जाएगा। सर मैथमेटिकल टूल्स पूरा खत्म हो गया है? हाँ उसमें बचा ही क्या है अब? सर उसमें तो ये सारे रेक्टर नहीं, पता नहीं वो काइनेमेटिक्स के भी क्वेश्चंस थे सर। हाँ सर शीट, अरे सीट में वो एक दो क्वेश्चन होंगे यार एप्लीकेशन वाले, कि भैया वो बताएगा पहले कि वेलोसिटी होता है dx / y। बहुत सारे थे सर चैप्टर का, या मेंस की सीट थी कि इसकी थी? अरे बहुत सारे नहीं होंगे, नहीं सर डीपीपी में था, डीपीपी में। अच्छा हाँ डीपीपी में, हाँ डीपीपी में, डीपीपी में मिक्स है भाई, डीपीपी में, डीपीपी में शीट में नहीं होगा, डीपीपी मिक्स है आपकी, डीपीपी आधे, आप डीपीपी देखोगे ना उसमें रेक्टिलिनर और मैथमेटिकल टूल मिक्स है, आप थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे तो न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स मिक्स हो जाएगा, वो वैसे चलाते हैं ताकि पुराने चैप्टर टच में रह कर दो। समझ में आई बात? यस ठीक है, डीपीपी तो वैसे चलेगी, डीपीपी पूरी नहीं कर पाओगे अभी आप, डीपीपी में से वो वाले क्वेश्चन करना जो मैथमेटिकल टूल्स के हैं। अरे समझ में आ गया? आ गया सर। अरे केतन
एक बात बताओ, इसमें तीसरी क्वेश्चन कैसे निकालोगे वैसे अगर निकालनी है तो? एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। तीसरी क्वेश्चन किस किस में रिलेशन होता है? उसमें क्या नहीं होता है? उसमें क्या नहीं होता है? टाइम। तो हम कुछ जुगाड़ कर सकते हैं क्या? ये दो इक्वेशन है, दोनों से हम क्यों ना टाइम को हटा दें? S is equal to ut plus half at square पकड़ो और v is equal to u plus at पकड़ो। पहली वाली इक्वेशन से t को उठा के दूसरे में पुट कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है, लेकिन बहुत लंबा तरीका है, करना मत। आंसर तो आ जाएगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा और कल हम जो करेंगे। अरे कल समय पर आ जाना भाई। ओके सर, सर तो अभी लीव करना है या? हाँ हाँ लीव करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। कॉपी कर। अरे सर्वेश। हाँ सर। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर। सर वो एक बार दिक्कत दो ना सर, वो दो बजे का क्लास था ना सर, तो मैं नहीं था। चलो एक ने बहाना मारा, तुम भी बहाना मार रहे हो खाली। सर सच में दो बजे का क्लास था, नहीं पता चला। उसमें देख लेना, आप यूट्यूब में अपलोड कर रखा है वो ग्राफ वाला, देख लेना उसमें। बता दो ठीक है? ना नहीं उतार रहा हूँ। अरे उसमें देख लेना भाई, उसमें अच्छे से समझा रखा है, अभी मैं समझाऊंगा, ऐसे ही समझा दूंगा। उसमें ज्यादा अच्छा समझा रखा है, बहुत प्रॉपरली डील कर रखा है, तुम्हारा ही बैच में पढ़ा रखा है। हेलो। हाँ बोलो सर। आपने बोला एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फाइनल और इनिशियल सेम बोल रहे, लेकिन मेरा वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना सर, तो अरे तो भाई अगर एक्सेलरेशन मान लो जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो क्या आएगा? पी इक्वल टू यू आ जाएगा ना। हाँ सर इक्वेशन से आ रहा है, लेकिन मैं अगर 50 मीटर पर सेकंड से मैं अगर जा रहा हूँ तो मैं वी और यू कैसे सेम हो सकते हैं? यार अगर मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं 50 मीटर पर सेकंड से तो चलता रहूंगा, बताओ। हाँ तो सर फाइनल पॉइंट तो अलग होगा ना, एक्सेलरेशन तो नहीं कर रहा लेकिन मैं 50 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट से तो जा रहा हूं ना। लेकिन हां कहना क्या चाह रहे हो, क्या दिक्कत आ गई? इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम कैसे होगा सर? अरे पोजीशन नहीं बोला मैंने, मैंने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बोला ना। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बराबर आ जाएंगी, पोजीशन थोड़ी ना सेम आएगी। पोजीशन तो यार तुम मतलब बांद्रा से निकल लो 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो तो कभी तो अंधेरी क्या, कभी तो अपना ये पनवेल पहुंच ही जाओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि 50 किलोमीटर पड़ा से आप बांद्रा में ही घूमते रह रहे हो, वो काम भी करना है, वो भी काम भी करना, पहले जरा एग्जाम एग्जाम निकाल लो बढ़िया से, दो साल बाद फिर बांद्रा में ही घूमते रहना। और सर वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 sin x plus 4 cos x यार उसको कल के डाउट में ले लेते हैं, कल मैं उसको सही से बता दूंगा तुम्हें, है ना। बस मैंने एक शॉर्टकट तरीका तो बताया था, लेकिन उसका प्रॉपर बता दूंगा ठीक है। वो रेगुलर तरीके से हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू जीरो करो, फिर डबल डिफरेंशिएशन लगा के चेक करो, फिर वापस पुट करो, जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है उससे चलोगे हो तो जाएगा वो। हाँ भाई और किसी का कोई डाउट बता दो भाई, अब कितने बचे हैं? नो सर। हाँ जितने बचे हैं किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, पढ़ने में आवाज फिर से चला गया। क्या हो गया भाई?
चलो एंड कर रहा हूँ, एंड कर दूं? किसको कुछ पूछना है? नहीं नो सर। ठीक है चलो।